नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू। ये आलू हम दही से बनाएंगे। वैसे तो आपने बहुत तरीके के दही आलू खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन ये तरीका नया है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बड़ों को तो पसंद आएंगे ही, लेकिन बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। आप ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। आप इसे परांठे के साथ, नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए इस नई रेसिपी को बनाना शुरू करें। अब ले लेंगे हम एक कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसे गरम कर लेंगे। ये गरम हो गया, इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून काली वाली सरसों, हाफ टी स्पून डालेंगे जीरा, 1/4 डालेंगे इसमें कलौंजी। इसे थोड़ा सा चला देंगे पहले। अब इसमें मैं डाल रही हूं 2 सूखी लाल मिर्ची और 1 तेज पात। मैंने ली थी 6 से 7 कलियां लहसुन की, उसको बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूं। थोड़ा सा इसे चला देंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए लहसुन का। मैंने ली थी 2 मीडियम साइज की प्याज, उसको बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूं। प्याज को हमने 5 मिनट के लिए भुनना है तेज गैस पर, वो भी चलाते हुए। प्याज हमारी हो गई है। अब इसमें डालेंगे मसाले, हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूं। मैंने लिया था 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूं। इसे मिक्स कर दें। अब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी डाल रही हूं और अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और मसाले को ठंडा होने देंगे। मैंने लिए थे 1/2 किलो आलू, इसे कुकर की 1 सीटी में उबाल लिया था। ये उबले हुए आलू हैं, ज्यादा नहीं उबालना, 1 ही विसल लगानी है, ओवर कुक ना करें। अब हमने क्या करना है, ये आलू ठंडे हो चुके हैं, इसको मैं छील लेती हूँ। पहले आलूओं को छील कर तैयार कर लें। आप इस रेसिपी में कोई भी आलू ले सकते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। अब हमने क्या करना है, इसको काट कर तैयार करना है। मैं इसके 2 भाग कर रही हूँ इस ढंग से। अगर आपके पास बड़े आलू हैं, आप उसके 3 भाग कर लें। ऐसे ही आलूओं को काट कर तैयार कर लें। हमने आलूओं को काट कर तैयार कर लिया है। अब मैंने लिया था दही, ये ज़्यादा खट्टा नहीं है, कम खट्टा दही है, ये 200 ग्राम के करीब है। इसको पहले अच्छे से फेंट लें। 1/2 किलो आलू के लिए मैंने 200 ग्राम दही लिया है, ये ध्यान रखें। अब इस चीज दही को इसमें डाल दें। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। आप हरी मिर्ची कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लें। ये मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, ये मसाला भी हमारा जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, जो दही वाले आलू हैं वो इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी डाल रही हूँ कि अच्छे से दही इसमें आ जाए। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ इस डोंगे में और अच्छे से आलू इस मसाले में मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। अभी तक हमने गैस नहीं जलाई थी, अब हम गैस ऑन करेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इसे भी मिक्स कर दें। अगर आप ग्रेवी वाले रखने चाहते हैं तो इस टाइम पे आप पानी डाल सकते हैं और पानी में तेज उबाल आने दें।
मैं बिना ग्रेवी के बना रही हूँ। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल गैस को स्लो कर देना है और इसको ढक देना है 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल कम गैस पर। ये 7 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस को कर देंगे बंद, ये सब्जी बनकर तैयार है। आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।